हम पर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपाई, कथाएं इतनी चलती थी, शादी हुई, हल्दी वल्दी कुछ नहीं चढ़ी, शिवपुर में कथा बंद की, लगुन चढ़ गई। अगले दिन आ गया मरेची के पास आजमपुर में, मंडप वाले दिन घर पहुंच गया, दूल्हा बन के ब्याह कर लाओ, बहू को घरे कर आओ, और अगले दिन केरन निकलाएगा। इतनी कथा चलती थी मेरी उस समय लगातार, यहाँ समाप्त, वहां शुरू, वहां समापन, वहां शुरू, वहां समापन, वहां शुरू। कृपा थी परमात्मा की केरन नगला वाले। अच्छा खास, आपके पूज्य पिताजी भी बहुत अच्छे कथावाचक थे, जगदीश शास्त्री जी। सही बात तो यह है, टोडनपुर वाले हो, गरीब तब से आ रहा है तुम्हारे क्षेत्र में, लोग ये नहीं जानते थे भागवत कायित कहते हैं, केरन नगला आओ कथा पढ़वे। और अब की बात ना है, मेरे दृष्टिकोण से कम आज के 23 साल पहले की बात है, तो मेरे साथ में जो आचार्य जी रहते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, गुरुकुल के पढ़े हुए ब्रह्मचारी जी, जाई केरनगला वाला जो बाग है, बाग में ही कथा भई, भीड़ हुई तो नुमाइश की तरह। ये मंदिर उस समय पूरा कंप्लीट नहीं था, लास्ट वाले दिन का पैसा गरीबा छोड़ के गया था, वो मंदिर की जो सुर्री बनी खड़ी है, तो ब्रह्मचारी बना रहे हवन कुंड, जो आवे सोई पूछे के कथा जाई में होकर आएगा, इस तरह की व्यवस्था थी क्षेत्र की। हाँ, हम पर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपाई, कथाएं इतनी चलती थी, शादी हुई, हल्दी वल्दी कुछ नहीं चढ़ी, शिवपुर में कथा बंद की, लगुन चढ़ गई। अगले दिन आ गया मरेची के पास आजमपुर में, मंडप वाले दिन घर पहुंच गया, दूल्हा बन के ब्याह कर लाओ, बहू को घरे कर आओ, और अगले दिन केरन निकलाएगा। इतनी कथा चलती थी मेरी उस समय लगातार, यहाँ समाप्त, वहां शुरू, वहां समापन, वहां शुरू, वहां समापन, वहां शुरू। कृपा थी परमात्मा की, पो बहुत लंबा समय हो गया सज्जनों।